और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी की सियासत में लाल टोपी कांड पर मुलायम सिंह यादव की एंट्री भी हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव पहली बार सामने आए और लाल टोपी वाले पर उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि दरअसल में लाल टोपी से बीजेपी के शीर्ष नेता डर गए हैं, बीजेपी का आला कमान डर गया है। मुलायम सिंह यादव से जब यह सवाल किया गया कि बीजेपी बता रही है कि लाल टोपी से खतरा है, रेड अलर्ट है, उसी पर मुलायम सिंह यादव की तरफ से यह रिएक्शन सामने आया। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने किसी बीजेपी के टॉप लीडर का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि यह इशारा सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। क्या कुछ कहा है मुलायम सिंह यादव ने, आपको सुनाते हैं। बीजेपी को कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है, लाल टोपी से परेशान हो गए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। तो आपने सुना, दरअसल मुलायम सिंह यादव रिएक्शन दे रहे थे लाल टोपी वाले बयान पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लाल टोपी वाले दरअसल में यूपी के लिए रेड अलर्ट है, ये खतरे की घंटी है और इससे जनता को सावधान रहना होगा। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल में बीजेपी लाल टोपी से डर गई है और इस बार बीजेपी से लोग छुटकारा चाहते हैं, जनता यहां परिवर्तन चाहती है, इस बार लाल टोपी वालों की जीत होगी, दरअसल में बीजेपी को लाल रंग से डर लग रहा है। अब देखिए, इसी को लेकर, इस रंग को लेकर के यूपी की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन आपको यहां पर यह भी याद रखना पड़ेगा कि रंग को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से भी एक बयान पहले दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी वाले एक रंग से प्यार करते हैं, जो एक रंग से प्यार करता है वो दूसरों के जीवन में रंग नहीं भर सकता। यानी कि उनका कहीं ना कहीं उनका इशारा भगवा की तरफ था। इस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया। मुलायम सिंह यादव ने जो कहा है कि दरअसल में बीजेपी के आला कमान या बीजेपी के शीर्ष नेता लाल रंग से, लाल टोपी से डरे हुए हैं, इस पर ब्रजेश पाठक का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि दरअसल में लाल टोपी से यूपी की जनता डरी हुई है, लाल टोपी से, लाल रंग से यूपी की महिलाएं डरी हुई हैं, जो कि उनके शासनकाल में असुरक्षित महसूस किया करती थी और इस बार भी लाल टोपी वालों को जनता नकारेगी। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने। लाल टोपी से भाजपा नहीं डर गई है, लाल टोपी वालों से जनता डरी हुई है। जिस प्रकार लाल टोपी वाले सत्ता आने पर गुंडई करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, माफियाओं को प्रमोट करते हैं, लाल टोपी वाले से जनता सतर्क रहे, ये बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हम सब भी प्रदेश की जनता को आगाह करें। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने थानों पर कब्जा करके बहु बेटियों की इज्जत आबरू को खतरे में डाला था, गुंडई की थी, अराजकता की थी, सरकारी धन की लूट की थी, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे कारनामे प्राय दिन रोज हो गए थे। सर, टिकट को लेकर मंथन चल रहा है भाजपा में, आप भी उसमें सदस्य हैं, आप भी मीटिंग में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे मान जाते हैं, क्या रहेगा मंथन, किस तरह से टिकट बंटवारा करेगी? भारतीय जनता पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों के तलाश में और ये जान के पूरी कार्रवाई हमारी पूरी हो गई है और हम 100% जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने वाले हैं और किसी भी माननीय विधायक का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम सबको साथ लेकर के, सर्व समाज को साथ लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे। आप यूपी में ब्राह्मण नेताओं को बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार कितना ब्राह्मण टिकट बांटे जाएंगे? देखिए, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन पर्याप्त उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं हम लोग। एक आपका बयान आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से भी आपकी बात हो रही है, जयंत चौधरी को भी आप बीजेपी में शामिल कराना चाहते हैं? नहीं, हमारी अभी कोई बात नहीं, इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। मुलायम सिंह के लाल टोपी वाले बयान पर ब्रजेश पाठक ने दो टुक में कह दिया है कि लाल टोपी से बीजेपी नहीं डर रही है, लाल टोपी से जनता डर रही है। कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।